स्टूडेंट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज टुडेज वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर. अवर न्यू चैप्टर इज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. इस चैप्टर में आप एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट. एलिमेंट क्या होते हैं? ए सबस्टेंस मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम. एक ऐसा सबस्टेंस जो कि आपका आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना होता है. इसी में आपके टू पॉइंट्स दिए गए हैं. उसमें आप क्या क्या है, यूज ऑफ सिम्बल्स एज शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ राइटिंग नेम्स ऑफ एलिमेंट. आप कुछ सिम्बल्स का यूज करते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट. जो आपके मॉलिक्यूल ऑफ एटम होते हैं वो आपके कंटेन उसमें एक ही तरीके के एलिमेंट होते हैं. जैसे लाइक आपका ओ प्लस ओ ये मिला के आपका ओ टू बनता है, तो इसमें आपके सेम एलिमेंट आते हैं ओ एंड ओ, उसका ये मॉलिक्यूल ऑफ एटम बनता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन प्लस एन, और ये मिला के आपका एन टू बनेगा जो कि आपका सेम एलिमेंट को कंटेन करता है. नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एच प्लस एच मिलकर बनेगा आपका एच टू. नेक्स्ट थर्ड सेकेंड टॉपिक है आपका कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कम्बाइन ए फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोगेशन टू फॉर्म ए कंपाउंड. कंपाउंड में क्या होता है, दो और दो से अधिक एलिमेंट्स को जो हम कंबाइन करते हैं इन्हें फिक्स्ड प्रोपोगेशन मतलब एक फिक्स्ड अनुपात में मिलाते हैं टू फॉर्म ए कंपाउंड, जिससे हमारा एक कंपाउंड मिलकर तैयार होता है. नाउ नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. इसी में टॉपिक है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस इन कंबाइनिंग एनी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट आर रिटेन्ड. जब भी हम किसी भी एलिमेंट को मिलाते हैं वन सब्सटेंस को जब हम किसी से कंबाइन करते हैं इन एनी प्रॉपर्टी मतलब किसी भी प्रॉपर्टीज में ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट की जो है ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो वैसी की वैसी रहती है मतलब बची रहती है. ये आपका होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड उस जिसमें आपके डिफरेंट एलिमेंट होते हैं. जैसे नीचे आपको दिया गया H2O, CaO2, NO2, CaO एंड ZnCl2. H2O है तो आपका H2O है तो इसमें आपका H2O प्लस O ये आपका मिलकर बना हुआ है. ये आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में आ रहा है. नेक्स्ट है आपका इसमें सेकंड है मिक्सचर. मिक्सचर क्या होते हैं? ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिटेंट एलिमेंट आर लॉस्ट एंड ए सब्सटेंस विद ए न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड. यहाँ पर मिक्सचर क्या होता है कि जो एलिमेंट हम इधर यूज कर रहे हैं तो इसमें Fe की प्रॉपर्टीज अलग हैं और ZnSO4 की प्रॉपर्टीज अलग हैं. ये Fe मतलब आपका आयरन के लिए यूज होता है और ZnSO4 ये जिंक सल्फेट है. ठीक है, इसमें Fe और ZnSO4 इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों की अलग अलग हैं. जब इनसे मिलकर जब हमारा ये जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो FeSO4 बनता है और प्लस Zn, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज से. तो हमारा मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में इनकी प्रॉपर्टीज तो लॉस्ट हो जाती हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है जिनकी अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं. नेक्स्ट आप डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. आपको मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट. मतलब किस अनुपात में हम कंपोनेंट को मिला रहे हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर. नाउ आपकी ये है आपका सेकंड चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. इसमें आपकी यूनिट वन जिसमें आप एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका पॉइंट है इंट्रोडक्शन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. के एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर क्या होती हैं, तो यहाँ पर आपको एक टेबल शो करी गई है. उसमें आपको सबसे पहले आपकी हेडिंग है आपकी सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या होता है और सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंस और सेकेंड है आपका इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस की कुछ कैटेगरीज यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई हैं लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आपकी एलिमेंट्स एंड सेकेंड आपकी कंपाउंड.
ठीक है। इसमें आपका एलिमेंट्स को भी टू कैटेगरी में डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट है आपकी मेटल एंड सेकंड है आपकी नॉन मेटल, और उसके कुछ एग्जांपल नीचे आपको दिए गए हैं। मेटल में आपकी आएगी आयरन और नॉन मेटल में आती है आपकी सल्फर, ठीक है। आयरन का फॉर्मूला वैसे सिंबल होता है Fe और सल्फर का होता है S, ठीक है। यहाँ पर आपका एक कंपाउंड है उसका दिया गया है ये आयरन सल्फाइड, तो ये बना आपका FeS, ये आपका कंपाउंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्प्योर सब्सटेंस, इसमें आपका आता है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में आपका आयरन सल्फर मिक्सचर दिया गया है, ये आपका नीचे आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं, मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बने होते हैं, आइडेंटिकल एटम ओनली, ये जो एलिमेंट है वो आपके आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, आप इसको तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड, कंपाउंड मेड अप ऑफ, कंपाउंड आपका किससे मिलकर बना होता है, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो और दो से अलग तरीके के जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। जैसे आपका कंपाउंड में Fe अलग है और सल्फर अलग है, तो ये आपके Fe एक एलिमेंट हो गया और सल्फर एक एलिमेंट हो गया के बाई केमिकल मीन्स, मतलब उनको सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं FeS मिलकर एक आपका कंपाउंड बना। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर, मिक्सचर मेड अप ऑफ, मिक्सचर किससे मिलकर बना होता है, टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर, मिक्सड इन एनी प्रोपोगेशन एंड सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टी, मतलब आपको इसको किसी भी अनुपात में मिलाएंगे, ठीक है, सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज इसमें चेंज नहीं होती है। नाउ आपका सब्सटेंस इंट्रोडक्शन एलिमेंट, मैं आपको यहाँ पे सब्सटेंस का आपका जो इंट्रोडक्शन था वो बस इतना ही था। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, क्या क्या सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका सब्सटेंस करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ पर आपको कुछ करेक्टरिस्टिक दी गई है गैसेज सॉलिड और लिक्विड की। द मोस्ट द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी कलर, दूसरा है आपका ऑर्डर, फिर है आपका नेचर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट है आपका कलर, और उसमें आपका आता है कलरलेस, मतलब जिसमें कलर ही नहीं होता, लाइक हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इनमें कलर नहीं होता, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया है और सल्फर डाइऑक्साइड है। इन सबके मैं फॉर्मूले आपको यहीं पे लिखते जा रही हूँ। ऑक्सीजन का O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। उसके बाद अमोनिया का NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आपकी हो गई कलरलेस, जिसमें बिल्कुल भी कलर नहीं होता। नाउ नेक्स्ट आपकी आती है कलर, कलर जिसमें कलर होता है, जैसे आपका क्लोरीन, क्लोरीन को Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीनिश येलो कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका NO2, ठीक है, ये आपकी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो इस कलर में आपकी एक तो कलरलेस और दूसरी आपकी हो गई कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, ऑर्डरलेस यहाँ पर सबसे पहले आता है ऑर्डरलेस, मतलब जिसमें यहाँ पर ऑर्डरलेस से मींस है जिसमें स्मेल नहीं आती है, ऑक्सीजन जिसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन, इनमें आपकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, ठीक है। ऑक्सीजन का तो मैंने आपको ऊपर बता दिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को H2 से, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन जो होता है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 एंड नाइट्रोजन का होता है N2, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है, ये तो हो गया ऑर्डरलेस, अब आते हैं हैव ऑर्डर्स, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है, आपका है फंजेंट और चौकिंग ऑर्डर, इससे जो हमारा गला चौक वगैरह हो जाता है ये वो चीज है। आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको आप HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और Cl जो है वो आपका क्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका अमोनिया, अमोनिया आपका NH3 जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है,
नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपका सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें एस जो है वो सल्फर को रिप्रेजेंट करता है और ओ है वो ऑक्सीजन है, और इन दोनों को मिलकर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका नेचर, नेचर में आपका आता है पॉइजनस, मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे आपका क्लोरीन है जिसको हम Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, ये भी आपकी पॉइजनस गैस होती है। नाउ नेक्स्ट आपकी अमोनिया, ये NH3, ये भी आपकी पॉइजनस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपकी पॉइजनस होती है। नाउ नेक्स्ट आपका नॉन पॉइजनस, मतलब जो जिसमें जो पॉइजनस नहीं होती है, जहरीली नहीं होती है, लाइक ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, ऑक्सीजन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। हाइड्रोजन है S2, ये भी हार्मफुल नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हार्मफुल नहीं होती है, ये तो इसको तो प्लांट्स वगैरह भी लेते हैं। नाइट्रोजन है N2, ये भी हार्मफुल नहीं है, नॉन पॉइजनस में आती है। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, जो कि आपकी नॉन पॉइजनस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, लाइटर देन एयर, डेंसिटी से मतलब कि इसको लाइटर देन एयर, एयर से जो हल्की होती है, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो एयर से हल्की होती है। लाइटेस्ट गैस नोन, इसको लाइटेस्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। एंड अमोनिया, जो कि आपकी NH3 होती है, जो कि हमारी एयर से हल्की होती है। नेक्स्ट हैवियर देन एयर, कुछ ऐसी मतलब यहाँ पे गैसेस हैं जो कि हमारी एयर से भी ज्यादा हैवी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो एयर से हैवी होती है, क्लोरीन है वह आपकी Cl2, ये आपकी एयर से हैवी होती है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी आपकी एयर से हैवी होती है। एंड ऑलमोस्ट एज हैवी, मतलब थोड़ी भारी होती है, लाइक ऑक्सीजन भी हल्की थोड़ी भारी होती है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी, ये भी थोड़ी भारी होती है, नाइट्रोजन भी भारी होती है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड भी थोड़ी भारी होती है। नाउ नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब पानी में कितनी कैसे ये घुल जाती हैं। हाईली सॉल्यूबल मतलब बहुत ज्यादा घुल जाती हैं, लाइक आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपके पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अमोनिया NH3 है, इसको NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपके पानी में बहुत ज्यादा घुल जाती है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपके पानी में घुलनशील है। नाउ नेक्स्ट फेयरली सॉल्युबल, मतलब इससे थोड़ा कम सॉल्युबल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड से कम सॉल्युबल है। नाउ नेक्स्ट है आपकी क्लोरीन है Cl2, ये भी आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड से कम सॉल्युबल है। नाउ नेक्स्ट आपका स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब ये जो ऊपर हमने दो पढ़ी थी, इन सबसे बहुत कम घुलती है पानी में, लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन, इन सबके फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट में आता है टेम्परेचर एट विच सॉलिड जस्ट मेल्ट चेंज ओवर टू लिक्विड, टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर विच सॉलिड जस्ट मेल्ट, जो हमारे सॉलिड जो है वो एकदम मेल्ट हो जाते हैं और चेंज ओवर टू लिक्विड, और लिक्विड में फिर वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट में आता है। नेक्स्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड जस्ट बॉइल, जिसमें आप लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है, एंड चेंज ओवर टू वेपर, और जिससे वो एक वेपर मतलब पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब जब हम पानी को बहुत ज्यादा गर्म करने लगते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर मतलब स्काई में जाने लगता है, तो लाइक वो आपका बॉइलिंग पॉइंट में आएगा। ठीक है, इंट है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बी हार्म इन टू सीड्स, एग्जाम्पल में आपकी मेटल्स आती हैं, आपने देखा होगा जो आयरन की, जो आयरन होता है उसको जब लोहा हैमर की सहायता से जब उसको पीटा जाता है तो उसकी सीट, उसको सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बी ड्रोन इनटू वायर्स लाइक मेटल्स, जैसे आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम है उसकी वायर्स को देखा होगा जो कि हमारे फैंस में भी यूज होती हैं। ठीक है, बस Now I show you a periodic table of the element that are systematically arranged by their atomic mass या atomic weight। ये आपकी periodic table है जो कि elements की है, जो arrange की गई है atomic mass के according, या फिर आप इसको atomic weight भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक दिया गया है, इसको बोलते हैं मैंगनीज, इसका फुल नेम है। ठीक है, इसको नेम है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सिंबल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये मैंगनीज है
और जिसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर ये 25 दिया गया, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है नीचे, ये आपको अभी मैं ब्लॉक के बारे में बताऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा। ये आपका एटॉमिक मास है, ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो आपकी इसके अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। नाउ नेक्स्ट आपके जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर आपको सबसे पहले पीरियड्स दिए गए हैं जो आपके 7 पीरियड्स में डिवाइडेड किए गए हैं। उसी के बगल से आपको दिख रहा होगा एस ब्लॉक दिया गया है। तो हमारे ब्लॉक होते हैं एस, पी, डी और एफ। जो आपका ये दिया गया है वो आपका एस ब्लॉक है। नेक्स्ट आपका आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा जो कि आपका ये वाला है। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक जो कि आपको एकदम सेंटर में मिलेगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक आपका सेंटर में, ये आपका डी ब्लॉक है। एंड जो आपका लास्ट में है ये आपका एफ ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका डी ब्लॉक है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जो आपका एफ ब्लॉक है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ कलर दिए गए हैं, जैसे आपका नेवी ब्लू कलर का है तो इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, जो कि आपके ये दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो रेड कलर का है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, जो कि आपके ये दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट आपका जो ग्रीन कलर में दिए गए हैं ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके ये ऑरेंज से कलर में दिए गए हैं ये आपके अदर्स मेटल्स में आते हैं। जो पिंक कलर में उनको नॉन मेटल बोलते हैं। जो यहाँ पर आपकी ब्लू कलर की हैं ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। नाउ नीचे जब हम एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जब हम एफ ब्लॉक में देखते हैं तो आपके लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। उनके कलर आपके ये अलग अलग हैं। ये येलो कलर में वो आपके एक्टिनाइट्स हैं और ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके लेंथेनाइट्स हैं। Now today's lecture is complete. I give you assignment on the related topics. First है आपका question, classify substance into pure and impure substance in the form of chart or tabulation. आपको जो classify करना है pure और impure substance को, या तो आप chart के form में कर दीजिए या फिर आप table बना के उसको describe कर दीजिए, classify कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर कलर, ऑर्डर, नेचर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहाँ पर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी सब्सटेंस की, जैसे कलर और कलरलेस में उसमें दो थे आपके, तो आपको उनके अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, नेम टू कलर्ड गैस विद देयर कलर्स। यहाँ पर मैंने आपको दो गैसेस बताई थी जिसमें कलर होता है, उनके कलर्स के बारे में भी बताया गया था। नेक्स्ट, ए गैस विद ए फंजेंट चॉकिंग ऑर्डर विद इज विच इज लाइटर देन एयर। आपको एक ऐसी गैस बतानी है जो कि आपकी लाइटर होगी एयर से और जो कि चॉकिंग ऑर्डर में होगी। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट है आपका, ए पॉइजनस गैस ऑलमोस्ट एज हैवी एज एयर। एक ऐसी पॉइजनस गैस जो कि हमारी हैवी होती है एयर से। नाउ डी पार्ट है आपका, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कौन सी चीज़ हमारी पानी में ज़्यादा मतलब सॉल्युबल होती है। नाउ नेक्स्ट आपका स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट आपको हाईली सॉल्युबल बताना है, नेक्स्ट आपको स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बताना है। Now today's class is complete. Meet you in next lecture video. Till there, stay home and be safe.